वाहिदा रहमान हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अपने करियर की शुरुआत में सिर्फ आइटम नंबर करती थी। शायद आपको यकीन ना हुआ हो, तो आइए इस मसले से रूबरू होते हैं। 60 और 70 के दशक में उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी, डांस, एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया। वाहिदा रहमान हिंदी सिनेमा के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली फिल्मों में भी अपना जलवा दिखा चुकी है। उन्हें 2 बार फिल्मफेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। वाहिदा रहमान ने 50 के दशक में तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। उस वक्त वो ज़्यादातर आइटम नंबर करती थी। एक दिन गुरुदत्त की नज़र उन पर पड़ी और यहीं से वाहिदा की किस्मत पलट गई। गुरुदत्त उन्हें हिंदी सिनेमा में ले आए। इसके बाद वाहिदा CID, प्यासा, कागज के फूल, गाइड, नीलकमल, राम और श्याम, तीसरी कसम, रंग दे बसंती, पार्क एवेन्यू जैसी हिट फिल्मों में नजर आई। एक वक्त ऐसा भी रहा जब गुरुदत्त अपनी किसी फिल्म को वाहिदा के बिना सोच भी नहीं पाते थे। हालांकि 1963 में वो वाहिदा को छोड़कर अपनी पत्नी गीता के पास लौट गए थे। 10 अक्टूबर 1964 के दिन गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत की वजह तो कभी स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों ने इसका जिम्मेदार वाहिदा को ही ठहराया। कहा जाता है कि गुरुदत्त की मौत के बाद वाहिदा को काम मिलना कम हो गया। लोग उन्हें फिल्में ऑफर करने से डरने लगे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।